पॉलिटिक्स में किसी ने किसी की जाती मुर्गी तो नहीं चोरी की होती। लाडला प्लस आ गया, जो उसको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जिससे अदालतों में सलूक हो रहा है, सबको डर पड़ गया। हर आदमी टीवी पे कह रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये वजीर आजम है। मैं सदर ना होता तो मैं अपने लीडर के साथ जेल में होता, तो कोई नहीं, तो उतर जा, अभी रिजाइन करता तो ये डाल देते हैं जेल में। इस केस में जो मर्जी कर ले इमरान खान और शाह महमूद, ये एक टांग पे खड़े हो जाए, ये टीवी बैठ के टेंट करा लें, बुरका पहन लें, जो मर्जी कर लें, इसमें इनको सजा होनी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात हुई है पीटीआई वफ्द की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। सर, वैसे ये एक बड़ी मेरे लिए शॉकिंग सी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई के वफ्द से मिले हैं, क्योंकि हमेशा मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, लेकिन मुलाकात की जो तस्वीर है उनसे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी खुशगवार किस्म की मुलाकात रही है। सर, क्या होने जा रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब भी इससे पहले मिले हैं, मकसद क्या है? देखिए मावेश, आपको मैं एक बात बताऊं कि पॉलिटिक्स में हतमी बात कोई नहीं होती, और पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है ना, वो बड़ी सिंपल है, दैट इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का देखें, उनको अपना वजूद खतरे में नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो सडनली ओवरनाइट ना लाडला, तो अलग बात है, लाडला प्लस बन गया। तो जाहरी बात है, अब जितनी दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने भी हाथ पैर मार दें, उनकी सर्वाइवल की बात है, वो बैठ के ये तो नहीं ना कि वो ज़िबा होते रहे बैठ के, तो दे ऑल्सो हैव टू मूव एंड मेक अलाइंसेस। तो पॉलिटिक्स में किसी ने किसी की जाती मुर्गी तो नहीं चोरी की होती, और अगर ये पहले मिल लेते तहरीक इंसाफ वाले, मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त अगर ये एक महीना पहले भी मिल लेते तो इनकी हुकूमत भी ना जाती। जो अब आप मिलते जुलते हैं ना, तो आप अफहाम और तफहीम से आप बड़े सीरियस सॉल्यूशंस का हल निकाल सकते हैं, जो चीज़ें बज़ाहिर एक डेडलॉक होती हैं आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और कभी किसी पॉलिटिशन के दूसरे पॉलिटिशन पर मिलने पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, एतराज़ नहीं करना चाहिए, सवाल तो बनता है खैर, लेकिन एतराज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस नैच पे आ गया कि जहाँ पाकिस्तान की हर पार्टी को मिलकर बैठना है। पहले एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर आपको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना है, और फिर आपको गवर्नेंस का एक रिफॉर्म बनाना है, और हर पार्टी इससे एग्री करेगी कि यार एक तो इकॉनमी को हमने सब बूस्ट नहीं देना, जिसकी मर्जी हुकूमत आए, और फिर जिसकी मर्जी हुकूमत आए मेरिट के ऊपर गवर्नेंस होनी है, रूल ऑफ लॉ जो है वो अपहोल्ड होना है, तो फिर तो इस मुल्क की बेहतरी बेहतरी है। लाडला प्लस आ गया, लाडला प्लस आ गया, जो उसको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जिससे अदालतों में सलूक हो रहा है, सबको डर पड़ गया, सबको, ये हर आदमी टीवी पे कह रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये वज़ीर आज़म है, अगला वज़ीर आज़म है। तो फिर बाकी ये सोचते हैं ना कि हम इलेक्शन में क्यों जाएँ, पैसे क्यों खर्चें, इतनी मगजमारी क्यों करें। तो ये मेल जोल, मेल मिलाप, ये वो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इन्वेंट कर लेते हैं चीज़ को जो चाहिए। तो इस वक्त इनको अफहाम और तफहीम चाहिए, इस वक्त इनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो ये डिमांड कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये कुछ मुलाकातों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती इसमें, यानी सफबंदी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी मौलाना साहब और नहीं सफबंदियों के लिए पहली मुलाकात में सफबंदी नहीं होती, सब बंदियों के लिए बड़ी तवील मुशावरत चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा मुलाकातें करनी पड़ती हैं। और पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई का जो मेन लीडर है वो जेल में है, और पता नहीं हर एक को या किस को कितनी एक्सेस है, तो डिसीजन इवेंचुअली उससे एंडोर्स भी होना है। तो अगर कोई दो पार्टियाँ आपस में मिल रही हों और वो यानी कोई एग्री कर रही हों, तो वहीं पर वो कर सकती हैं एक मीटिंग में ही दो घंटे तवील करके। लेकिन इस केस में जब एक लीडर जिसने डिसीजन मेकर लीडर हो वही अवेलेबल ना हो, तो फिर वो बैक एंड फोर्थ होता है और मैं आना जाना लगा रहेगा भी है, तो उस तरह से होगा। तो सर, ये मियां साहब की जो नैब केसेस में अपीलें बहाल हो गई हैं और नैब प्रोसिक्यूटर ने कोई एतराज भी नहीं उठाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मियां साहब के वकील हैं, तो सर क्या मतलब है, अब आगे क्या होगा? है ना उनके वकील, ये तो हमने पहले भी कह दिया था आपको कि आज कुछ नहीं होगा। अब 2014 में इनको जो एडवोकेट जनरल पंजाब लगाया था, पहले ये सैयद इत्तेशाम कादर है नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल,
इनको शहबाज शरीफ ने एडवोकेट जनरल पंजाब लगाया था, आज वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है। पहले इनको एडवोकेट जनरल भी तैनात किया था शहबाज शरीफ साहब ने। तो उनके सामने उनके मोहसिन का खानदान है जिसने उनको इतनी पोस्टिंग दी, प्रमोशन दी, सब कुछ दी। देखो भावेश, एक बात याद रखना, अभी मुझे नहीं पता कहावत कितनी सही है कितनी गलत है, बट ये है, वो कहते हैं कि जब वाटरलू के अंदर, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन और वेलिंगटन आमने सामने आए था, तो वेलिंगटन ने कहा उसको, यू फ्रेंच यू फाइट फॉर लैंड यू फाइट फॉर मनी, वी ब्रिटिश वी फाइट फॉर ऑनर वी फाइट फॉर रिस्पेक्ट। तो नेपोलियन ने कहा, लॉर्ड वेलिंगटन यू आर राइट, एवरी मैन विल फाइट फॉर व्हाट ही डजंट हैव। तो हर उस चीज़ की लड़ाई होगी जो आपके पास नहीं होगी। अगर आपके पास आज़ादी नहीं है तो आज़ादी की लड़ाई होगी, बिजली नहीं है तो बिजली की लड़ाई होगी, पैसे नहीं है तो पैसों की लड़ाई होगी, जो है आपके पास उसके लिए तो नहीं आपने लड़ना। तो अब ये सारे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लड़ रहे हैं, वो इनके पास नहीं है। तो सर, मियां साहब से जब इलेक्शंस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात ही टाल दी और कहा कि पहले अदालतों से तो फारिग हो जाओ। सर, मियां साहब क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे इलेक्शंस में? पहली बात है कि मियां साहब बड़े ज़हीन आदमी है और सुखनवर है, उनको पता है कि वो इंतहाई काबिल कबूल है लेकिन इंतहाई मकबूल तो नहीं है। यानी काबिल कबूल होना और मकबूल आम होना, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मियाँ साहब वो टाइम देना चाह रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बनना शुरू हो जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर मैं भी उनकी जगह हूँ, मुझे क्या जल्दी है, मैं तो हर तरीके से प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ले रहा हूँ। आपको मैं गाड़ियाँ दिखाऊँ जितनी अभी कल मरी गाड़ियाँ गई और वापस आई, आगे पीछे टांट ऊँ टांट ही, सरकारी रेजिडेंसेज सरकारी हाउसेज जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे किसने जल्दी जल्दी, मैं उन्हीं चीज़ों के लिए तो मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो वो ठीक है, थोड़े दिन वेट कर जाए तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उनसे जब ये पूछा गया था कि कौम के मुजरमों का एहतसाब करना है, तो उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। बात यह है कि बस सिविलियन बालादस्ती, वो कहते हैं कि जी 1947 में सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आज़ाद हो गए, यानी जवाब उन्होंने इस सवाल का भी नहीं दिया। तो मियाँ सब अवॉइड कर रहे हैं सवाल वगैरह, क्योंकि देखा जाए तो कौम के मुजरिम तो वो भी हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि अदालत ने देना है ना ये फैसला। तो मैं और आप तो उंगली उठा सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं, मुजरिम डिक्लेयर करना ना करना वो तो अदालतों का काम है। निकल गया था ना, इश्तिहारी तो वो थे ना। क्या अब दूसरी अदालत कह रही है वो फैसला ही गलत है, मैं क्या करूं? ऐसा ही है सर। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी साहब के इंटरव्यू पर बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तो सारी तैयारियां मुकम्मल है और इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। सर, क्या कहेंगे आप? यार ये जो आदमी है जो दांतों का कीड़ा निकालने वाला आपका फेवरेट आदमी बैठा हुआ है वाने सदर में, मैं आपको बताया ना कि ये सिर्फ अपना पापे कुटियों की तरह बात कर सकता है। कल भी इसने जो बात की है वो एक विफाक के सदर को या विफाक को रिप्रेजेंट करने वाला नुमाइंदा जो है वो तो इस तरह की बात ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर जब मैं जेल में हूँ, अगर मैं सदर ना होता तो मैं अपने लीडर के साथ जेल में होता तो कोई नहीं, तो उतर जा अभी रिज़ाइन करता, तुझे डाल देते हैं जेल में, तुझे इतना शौक है जेल जाने का अपने सदर के पास, वो चेयरमैन के पास, तो अभी डाल देते हैं। तो फिक्र ना कर, जब तक अल्लाह निकालेगा तो निकालेगा, हम तुझे वहीं रखेंगे फिर। तो ये तो हौसला करना, हिम्मत कर। अब वो इदारों के ऊपर ताने मार रहा है तो इदारे ने ठीक है जवाब दे दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी में अब कोई रुकावट है। 28 जनवरी उन्होंने डेट दी हुई है टेंटेटिव, तो 28 जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। मुझे इसमें अब कोई और अगर ना होने होते ना, अगर इलेक्शन और डिले होते तो मियाँ साहब ना आते वापस। मियाँ साहब ने ग्राउंड टेस्ट करके आए हैं। अगर जनवरी एंड या फेब स्टार्ट में होते हैं तो मैं भी वोट डाल सकती हूँ, तो मैं भी पाकिस्तान। जी सर, मैं पाकिस्तान में होंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अगर आपने पीटीआई के अलावा किसी को वोट डालना है तो आपका वही होगा पोलिंग बूथ, वरना शायद इधर उधर हो, 10 मील दूर ना हो। सर, जुमे को साइफर के अहम तरीन केस की समाअत है और ट्रायल कोर्ट में गवाह तलब किए जाएंगे, जिरह होगी और सजा सुनाई जाएगी। सर, इस केस के हवाले से आपके क्या तासुरात? मावेश, इस केस में जो मर्जी कर ले इमरान खान और शाह महमूद, ये एक टांग पे खड़े हो जाएं
ये टीवी बैठ के टिंट करा लें, बुरका पहन लें, जो मर्जी कर लें, इसमें इनको सजा होनी होनी है और इन दोनों को होनी है। और एक तो आजम खान और दूसरा सुहेल महमूद जो कि सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे, वो भी अब गवाहों में है। और ये कुछ छोटे गवाह तो नहीं है ना यार, ये तो यानी गेस्टेड ऑफिसर्स है ना, और उस जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि हफ्ता नहीं तो मैक्सिमम दो हफ्ते के अंदर इमरान खान के ऊपर जो सजा की तलवार लटकी हुई है वो चल जानी है और उसको सजा मिल जानी है। तो मुझे इसमें कोई अब सजा वैसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगी? मुझे लगता है कम से कम 10 साल कैद तो होगी, कम से कम, एंड कैन बी मोर। काटेंगे 10 साल जेल? नहीं, अपना काटेंगे का क्या मतलब है, मेरे घर में रहना उन्होंने आके, जाहिर बात है। आई मीन हमारे यहाँ कौन सा, हमारे किसी लीडर ने यानी 10 साल जेल हमारे मुल्क में, आई कैन बी रॉन्ग बट मेरे ख्याल है सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ने काटी है। मैं वही तो कह रही हूं कि आज तक कौन सा था जेल किसी ने, मेरे होशो हवास में तो किसी ने नहीं काटी, तो बस उन्होंने ही काटी जरदारी साहब ने। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब बल्कि कुछ लोग आए ना पाकिस्तान, जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, बल्कि आज मुझसे किसी ने पूछा कि यार हम सेमीफाइनल में आ सकते हैं, मैंने कहा यार मेरा तो एक ही मैसेज है इस क्रिकेट टीम के लिए कि तुम साढ़े लिए मर गए, असी ताड़े लिए खत्म, ठीक है ना, मत आना वहां। सर हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हार जीत की बात नहीं है, खेल कर हारे ना यार, लेट के गिर गए वो तो कोई हार ना, अपना खुदा के लिए वो हार तो नहीं है। यानी वैसे 500 रुपया नहीं छोड़ते किसी का, कैच पकड़ते वक्त मौत आ जाती है। सर मेरा भी आपको एक मशवरा है, मैच देखना छोड़ दें। एक्चुअली अब नहीं देखा जाता, हिम्मत नहीं होती, पाकिस्तान का मैच यही कहती हूँ क्योंकि वो इधर घर में भी बड़ी भी टेंशन होती है। नहीं पाकिस्तान का मैच क्या देखे आदमी, अपने आप को डिप्रेस करने की बात है हर वक्त। एक ओवर में अच्छा होता है आदमी दुआ करता है, वो अगले ही ओवर में वो सारा कट ही खा जाते हैं, यानी 40-40 रन में पूरी पूरी टीम आउट हो जाती है, तो उसका क्या करे आदमी। और कंसिस्टेंटली अपनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसको छोड़ दें आप एशियन गेम्स को देख लें, वहां पे पाकिस्तानियों का क्या हाल हुआ है हर स्पोर्ट में। 30 साल पहले पाकिस्तान 4 चीजों में वर्ल्ड चैंपियन था, 35 साल पहले, स्क्वाश में, हॉकी में, स्नूकर में, शायद क्रिकेट में, हाँ क्रिकेट में थोड़ी देर बाद हुआ है लेकिन मोर और लेस उसी एरा में। और अब हम रिंग रहे हैं, लास्ट से हम नंबर 1 पे हैं, पहली पोजीशन पे, आप देखें हमारी क्या औकात होगी। टीम तो अपनी है, लोग तो अपने हैं, वापस तो आएंगे, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं हम करते, हम कहते हैं तुसी साडे लई मर गए, असी ताडे लई खत्म। सर ऐसा कहने से होगा नहीं ना, वही टीम है। होएगा, फिक्र ना करें, आने दे जरा, मुझे मिले ना बाबर आजम, मैं उसको अपने दिल से बताऊंगा कि मैं क्या समझता हूं इस परफॉर्मेंस को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।